अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू कुकिंग विद जीए। आज हम बनाएंगे बर्गर, बहुत ही आसान तरीके से, खाने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। ये मैंने आधा किलो आलू उबाल लिए हैं, इन्हें अच्छे से मैश कर लिया है। अब हम इसमें बाकी की चीज़ें ऐड कर देंगे। ये मैंने 1.5 चम्मच धनिया पाउडर लिया है, 1.5 चम्मच कुटा हुई मिर्चें ली हैं, 1/2 चम्मच पिसी हुई मिर्च है, 1 चम्मच आमचूर पाउडर है, 1/2 चम्मच से कम गरम मसाला है, 1/2 चम्मच काला नमक है, 1/2 चम्मच सफ़ेद नमक। अब हम इन सारी चीज़ों को आलूओं में मिक्स कर देंगे। मैंने 1 प्याली प्याज लिया, ये 1 मीडियम साइज़ का प्याज है, इसको भी डाल देंगे। आप चाहें तो हरी मिर्च भी डाल दें, अगर आप प्याज नहीं डालना चाहें तो नहीं डालें। मैं थोड़ा सा हरा धनिया लिया, इसको भी डाल देंगे। इन सारी चीज़ों को अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है, अब हम इन्हें टिक्की की शेप देंगे। पहले हम हाथों पे थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे, जिससे ये हाथों में चिपके नहीं, फिर हम इससे टिक्की बनाना शुरू करेंगे। आप अपने बंद के हिसाब से टिक्की बनाएं, जितना बड़ा बंद आप लें उतनी बड़ी टिक्की बनाएं। आप एक बार ऐसे बर्गर ज़रूर बना के देखें, बहुत इजी भी है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी लगते हैं खाने में। हमने एक टिक्की बना के तैयार कर ली है, इसी तरीके से हम एक टिक्की और बना लेंगे। हमने दूसरी भी टिक्की बना ली है, इसी तरीके से हम सारी टिक्की बना के रख लेंगे। हमारी टिक्कियां बनके तैयार है, उतने ही आलू हमारी 13 टिक्की बन गई है। 1 प्याले में हमने मैदा लिया है, ये मैंने 4 चम्मच मैदा लिया है, इसका हम घोल बना लेंगे पानी डाल के। घोल को हमें ज़्यादा पतला भी नहीं करना है ना ज़्यादा गाढ़ा करना है, आप मीडियम साइज़ का बना लें। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको चला देंगे, इसमें लम्स नहीं रहने चाहिए, अच्छे से इसको घोल लें। थोड़ा सा पानी हम इसमें और डालेंगे, अभी ये थोड़ा सा गाढ़ा है। हमारा बैटर बनके तैयार है, हमें इतना पतला बैटर चाहिए। विप चम्मच पे ये अच्छे से कोट हो रहा है, बस हमें इतना ही चाहिए। अब हम इसको, हमने 1 प्याले में ब्रेड क्रम्स ले लिए हैं, ये हमने ब्रेड क्रम्स घर पे ही बनाए हैं। जो हमने चमचम बनाई थी ब्रेड की, उसके साइड जो बचे थे उसका हमने ब्रेड क्रम्स बना के तैयार कर लिया है। अब हम इसको टिक्की पे लगाएंगे। हम एक टिक्की लेंगे, पहले इसको बैटर में डिप करेंगे, उसके बाद इसको ब्रेड क्रम्स में कोट कर देंगे अच्छे से। आप ब्रेड क्रम्स में कोट कर लें अच्छे से, जिससे ये खाने में बहुत अच्छी लगती है और बहुत क्रिस्पी बनती है ब्रेड क्रम्स की वजह से। अब हम इसको एक प्लेट में रख देंगे। दूसरी टिक्की को भी हम ऐसे ही तैयार करेंगे, पहले बैटर में डिप करेंगे, उसके बाद ब्रेड क्रम्स में। सारी टिक्की को हम ऐसे ही तैयार कर लेंगे, उसके बाद इन्हें फ्राई करना शुरू। टिक्कियों को ब्रेड क्रम्स लगा के तैयार कर लिया है। इधर हमने गैस पे कढ़ाई में ऑयल डाल के गर्म होने के लिए रख दिया। मैंने ये मस्टर्ड ऑयल लिया है, यानी सरसों का तेल, अगर आप चाहें तो आप इसे रिफाइंड ऑयल में भी बना सकते हैं। हमारा ऑयल अब गर्म हो गया है, अब हम ये टिक्कियों को हल्का सा प्रेस करके ऑयल में डाल देंगे। हम फ्लेम को लो कर लेंगे, हम ऐसे ही 3 टिक्की इसमें डाल देंगे, ज़्यादा टिक्की हम एक साथ नहीं डालेंगे। फ्लेम को हमने मीडियम रखा है, अब इन्हें थोड़ा सा सेकने देंगे, फिर इन्हें पलटेंगे। हमारी टिक्की एक तरफ से फ्राई हो चुकी है, अब हम इसको पलटेंगे। हमारी टिक्की देखिए अब गोल्डन फ्राई हो चुकी है। इसी तरीके से हम अपने 3 टिक्कियों को पलटेंगे और इन्हें अच्छे से फ्राई होने देंगे। टिक्की हमारी सिक्के तैयार है, अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए हमें इसको इतना फ्राई करना है,
बहुत अच्छे से ये इस टाइम क्रिस्पी हो चुकी है। अब हम इसको निकाल लेंगे, उसके बाद हम अपनी वफ़ारी टिक्की फ्राई करेंगे। हमने अपनी सारी टिक्की फ्राई कर ली, एकदम क्रिस्पी बनी है। आप ऐसे टिक्की ज़रूर बनाएं। अब हमने ये बन ले लिए हैं, बन को हम हल्का सा सेक लेंगे उसी कढ़ाई में जिस कढ़ाई में हमने टिक्की बनाई थी। अगर आप चाहें तब आप सेक लें, अगर नहीं चाहें तो आप ऐसे बनाएं, ऐसे भी अच्छे बनते हैं। मैं इनको हल्का सा सेक लूँगी। हमने अपने सारे बन को सेक के तैयार कर लिया है। मैंने बर्गर बनाने के लिए सॉस का यूज़ किया है, इससे बर्गर खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। अब हम बन पे सॉस लगाना स्टार्ट कर देंगे। आप सही से सॉस लगा लें, फिर उसके बाद हम इस पर सारी चीज़ें लगाएंगे। सॉस लगा ली है, अब हम इस पर खीरा, टमाटर, हमने सारी चीज़ों को स्लाइस कर लिया है, थोड़ा सा प्याज। बहुत ही सिंपल तरीका है बर्गर बनाने का, थोड़ा सा प्याज। बहुत ही सिंपल तरीका है बर्गर बनाने का। और एक टिक्की हम इस पर इधर रख देंगे, फिर हम इस एक और लेंगे, उस पर भी हम सॉस लगाएंगे। इसके ऊपर खीरा रख देंगे, टमाटर रख देंगे, थोड़ा सा प्याज रख देंगे, फिर इसको ऊपर से ऐसे कवर कर देंगे। आप एक बार ये बर्गर बना के ज़रूर देखें, आपको बहुत पसंद आएंगे। हम ऐसे ही अपने सारे बर्गर बना के तैयार, बर्गर बन के तैयार हैं। आप एक बार इन्हें ट्राई ज़रूर करें, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, बहुत जल्दी बन जाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।